मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्लास फर्स्ट और सेकंड की वर्कशीट। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, डेट है हमारी 20 एंड डे है फ्राइडे। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फीचर्स एंड मैच देम विद द करेक्ट फीचर। आपको ये जो फीचर्स हैं इनके काम है वो देखने हैं और क्या करना है, इनको मैच करना है करेक्ट थिंग से। फर्स्ट है, आई डू नॉट मेक मिस्टेक। तो कौन है जो मिस्टेक नहीं करता है? सो इंसान से तो गलती हो जाती है, तो ये कंप्यूटर से गलती नहीं होती है, तो हम इसको कंप्यूटर से मिला देंगे। आई फॉरगेट थिंग्स ईजियर, मैं चीज़ें जल्दी भूल जाती हूँ, तो इंसान जल्दी भूल जाते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देंगे। आई कैन थिंक, कौन है जो थिंक कर सकता है, सोच सकता है? कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जब आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे तभी वो कुछ कर सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैन। आई रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? सो कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ई है हमारा, आई नेवर गेट टायर्ड, मैं कभी थकता नहीं हूँ। कौन नहीं थकता, मैन या कंप्यूटर? कंप्यूटर, तो यहाँ पे लगा देंगे। आई गेट बोर्ड, मैं बोर हो जाता हूँ, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता, आप जितना काम दोगे उतना कर लेगा, तो ये इंसान बोर हो जाता है, तो हम इंसान पे लगाएंगे। आई डू कैलकुलेशन स्लोली, मतलब कैलकुलेशन है वो जो स्लोली करते हैं, तो हम जो इंसान कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशन करता है इंसानों के बजाय, तो हम यहाँ पे इंसान पे लगा देंगे यहाँ पे। आई कैन रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग, मैं बहुत सारी चीज़ें याद कर सकता हूँ, तो कौन है, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ याद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। आपको ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके मतलब पार्ट्स की पिक्चर दी गई हैं, आपको ये बताना है कि ये कौन से पार्ट की पिक्चर है। सो ये है, ये क्या है, ये मॉनिटर है। ये क्या है, माउस, कंप्यूटर में माउस होता है ना जिससे हम क्लिक करते हैं, वो है ये माउस। ये क्या है, कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड, यहाँ पे हम कीबोर्ड भरेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। अ कंप्यूटर वर्क्स फास्ट या स्लो, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो फास्ट करता है। बी है, अ डैश इज अ कंप्यूटर डैट प्लेस द डेस्क, जो कंप्यूटर है वो कहाँ पर मतलब कौन सा कंप्यूटर है जो डेस्क पर रखा जाता है, तो लैपटॉप तो आप कहीं पे भी रख सकते हो, डेस्कटॉप पे। ये अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ क्या, क्लोथ्स या इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बहुत सारे क्लोथ्स स्टोर कर सकता है या फिर इंफॉर्मेशन, सो हाँ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे टिक करेंगे। डैश इज लाइट इन वेट, तो क्या है आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा इन दोनों में से लाइट वेट है, टैबलेट है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर भारी होता है, टैबलेट को हम इजी से आसानी से ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे टैबलेट। ड्रॉ आ पिक्चर ऑफ कंप्यूटर, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है कंप्यूटर की, तो आप सिंपल जो भी आपने कंप्यूटर देखा हो, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं या आपने जो भी कंप्यूटर देखा हो ऐसे स्क्वायर में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो कंप्यूटर में, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें ऐप्स होती है, ये हमारा मॉनिटर्स होता है, यहाँ पे कनेक्ट होके क्या होता है, माउस, माउस भी बना दे। आप अपनी मर्जी से कोई भी कंप्यूटर का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है हमारी जीके की वर्कशीट।
आज हम करेंगे जीके की वर्कशीट। डेट है हमारी 20, डे है हमारा फ्राइडे। ये क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इन्हें फिल करना है। ये आपको दिए गए हैं, इनमें से ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये फिल करना है। सो ये है डैश इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो हमारा नेशनल बर्ड क्या है, सब जानते हैं हमारा नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक। सो यहाँ पे हम पिकॉक लिखेंगे। आई एम कब, आई ग्रो इंटू आ, जो कब होता है वो किसका बेबी होता है, लोयन का। सो यहाँ पे लोयन। यू वुड डैश योर हैंड बिफोर ईटिंग। आपको खाने से पहले क्या करना चाहिए, सो वॉश करने चाहिए, आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए। डैश ऑफ अ टेबल, सो यहाँ पे क्या है, लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ अ टेबल। सो ये क्या है, डैश इज अ फेमस स्टोरी। कौन सी एक फेमस स्टोरी है, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी। ये हमने फिल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉइन विद एरो, आपको ये जॉइन करने हैं। जो ईयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हियर करते हैं, मतलब ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं ना, तो हम सुनने पे लगाएंगे। नोज से क्या करते हैं, हम नोज से हम कोई भी चीज़ सूंघते हैं ना, सूंघना मीन स्मेल, स्मेल करते हैं। टंग, टंग से क्या करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं। और स्किन से क्या करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं। यस होगा। एंड अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अपनी वर्कशीट के। थर्ड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट है इट कैन फ्लाई। इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो फ्लाई कर सकती है, फिश, हॉर्स या क्रो। सो क्रो फ्लाई कर सकता है, तो हम क्रो पे टिक करेंगे। इट्स अ फ्रूट। इन तीनों में से एक फ्रूट है, क्या है, जैक फ्रूट, राइस, वीट। जो राइस और वीट है वो हमारे अनाज है और जैक फ्रूट हमारा फ्रूट है, तो हम फ्रूट पे टिक करेंगे। सी है डैश इज अ फाउंड इन फेरीलैंड। क्या फेरीलैंड में आपको मिलेगा, स्पाइडरमैन मिलेगा, प्रिंसेस मिलेगी या डॉक्टर। सो हाँ, प्रिंसेस होती है फेरीलैंड में। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कहता है मैच द कॉलम्स ए एंड बी। आपको ए कॉलम से बी कॉलम मिलाना है। सबसे पहले है ए, गार्डन सिटी। गार्डन सिटी हमारी कहाँ है, तो जो मतलब गार्डन सिटी किसको कहते हैं, तो जो बेंगलुरु है उसको हम गार्डन सिटी बोलते हैं, तो आप इसको लगा देंगे। सेकंड पेंटर, पेंटर क्या यूज़ करता है इसमें से, देखो ब्रश। सो हम ब्रश पे लगा देंगे। कैमल, कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में, तो हम डेजर्ट पे लिख देंगे। चेस, जो हमारी तानिया सचदेव है वो क्या है, चेस प्लेयर है, तो हम यहाँ पे तानिया सचदेव पे लगा देंगे। इटली, इटली में क्या है, लीनिंग टावर, क्या है, लीनिंग टावर। एलिस इन वंडरलैंड किसने लिखा है, लियूस कारोल ने, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारी जीके की वर्कशीट थी। थैंक यू।